जब तक मौजूद थी, आपको पता है आले सऊद ने खिलाफत को तोड़ा, पता है? ये जो अर्थगोल वगैरह ये आपके ड्रामा नहीं आप देख रहे, ये वही तारीफ है, ये वही तारीफ है। ये मेरे संजीव बैठे को मैंने बड़ी दफा बताया आपको, अब हाजिर हुआ है ना, लेकिन इन लोगों को एक एक चीज मैंने बताई, कई कई दफा रिपीट किया, खिलाफत उस्मानिया जो तुर्क, इनकी खिलाफत को आले सऊद ने क्या अंग्रेजों से यहूदियों से मिलकर क्या किया, प्यो ते मां बुटे भी हो जाए ना, बुटे हो जाए किसी जोगे ना रहे, फिर भी बहुत जोगे हो गए, फिर भी भाई माँ बाप उस वक्त तक होते हैं जब तक वो कमाई आपको खिलाते हैं, वो बूढ़े हो गए, वो लागर हो गए, वो बीमार हो गए, वो मतलब आप इस जोगे नहीं रहे, तो उनको तो फिर बिठा के है? उनको तो फिर बिठा के ज्यादा करनी चाहिए, उनकी तो खिदमत करनी चाहिए, तो तुम्हें मौका नहीं है अल्लाह है, बात ये नहीं है। खिलाफत कैसी भी थी उससे पूरा आलम इस्लाम क्या था, जुड़ा हुआ। खिलाफत टूटी तो 40 मुल्क में, खिलाफत टूटने से सिर्फ इस अरब के इलाके में 40 मुल्क पैदा हुए, कितने 40 और 40 का 40 को बादशाह बना दिया, किसने बनाया, उन्होंने कहा उन्होंने देखो ना, अब एक घर को तोड़कर एक कमरे का मालिक बना दिया, तू इतने भाई तेरे नाल मैं, तू इतने तेरे नाल मैं, अब वो आपस में लड़ा, बस में लड़ 40 मुल्क निकले, शाम मिस्र इराक ये ईरान तक, 3 बर्रे आ गए, एशिया अफ्रीका और यूरोप, बिल्कुल एंड पर बायजीद यजरब, उसे अगर 8 दिन और मिल जाते कितने दिन, 8 दिन तो उसने बरतानिया पे झंडा लगा देना, सुभान अल्लाह, पड़ोता तुम पीरों को समझते हो जो जाए तजवीज दे दें थोड़िया, बस दुआ कर दें तुम सुनते रहो, आज तुम सब बोलते ही नहीं, उन्होंने बोलने ही बेचारा नहीं आता, तो बोलेगा क्या, या तुम चलिया पीछे लगे हो या तुम बलिया पीछे लगे हो, खुदा का कहर नहीं आ गया इस कौम पर कि जो गंदा मंदा जनाब उसको मजलूम बना दिया, मजलूम वो नहीं होता जो आप मजलूम चेहरे समझते हो, नांगे बाबे फलाने बाबे कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में, हां जी कोई तसव्वुर नहीं है, ये अरे वो 10-20 गाला कटिया है जी मेरा तो काम बन गया, कोई तसव्वुर नहीं है, ये 100-150-200 साल का पलटा है जो ये आ गया हिंदुस्तान में, अफ्रीका में नहीं मिलते ऐसे मजदूर, मक्के में नहीं थे, मदीने में नहीं थे, तुर्की में नहीं थे, कहां से लड़ाई होगी इन लोगों को पकड़ के, इजी वे है, इजी वे आसान रास्ता, नाल मरीज भी आसान, सलाह ताया जी सरकार, फलाह चाचा जी सरकार, फलाह मामा जी सरकार, उसूल बता देता हूं किसी वली को चेक करने का, अगर तो हमारी औकात नहीं है तो अल्लाह के बंदे को चेक करें, लेकिन फिर बाबा फरीदुद्दीन याद रखो, वली वो होता है जो नबी पाक के इल्म व शरीयत पर कारबार करे और उससे उम्मत को कोई फायदा पहुंचाओ, अच्छा क्या फायदा पहुंचाओ, चलो सवाल है दसो जी क्या फायदा पहुंचना चाहिए दरवेश से, चलो मेरे से क्या फायदा पहुंचना चाहिए, यानी ये कोई फायदा नहीं है कि आप आए मैंने दुआ दी कि मर्ज दूर हो गए, ये तो डॉक्टर कर देता ही यार, आप आए मैंने दुआ दी आपको पैसे मिल गए, ये तो कोई नहीं कर सकता, ये कोई काम नहीं है, नबी पाक ने ऐसा कोई काम नहीं किया, अगर ऐसा किया होता तो
बिलाल को मारे ना पड़ती। ये कुरान के अरबात, ये कुरान हकीम में पिछली आयत में है कि तुम्हें आजमाया जाएगा, आजमाइश को तुम मेरे नहीं जाते। जरा जी छठी आई, तरखी आई, गर्मी आई, जहाँ आए मर गए मर गए मर गए, पीर साहब चुका है जी। बिलाल की आजमाइशें थोड़ी है, मुरीद किसकी है? सरकार दो आलम हुजूर मौजूद है। बिलाल को जब पढ़ रही है तो हुजूर के सामने है, सहाबा को तकलीफें हुजूर के सामने आ रही है। तुसी फिर केड़े केड़े मुरीद हो जी, तुसी किधर आसमान तो लैके आए कि उन पर तो आजमाइश आए, वो तो पत्थर खाए, वो अंगारों पर चले, उनको रस्सियां डालकर पांव में घसीटा जाए, कर रेत पर उनके सीने पर पत्थर रखे जाए, उन्हें आग में जलाया जाए और उसे काटा जाए नबी के कलमे के नाम पर, और तुम सीधे सीधे जनाब अजी आज अल्लाह अल्लाह खैर सदा मजीद करके जनाब डॉलर ले लो, यूरो ले लो, फलान ले लो, तो तरक्कियां हो गई। ये कोई ये मैं नहीं मानता चीजों को। कुरान कहते हैं आजमाए बगैर तुम्हें किससे आजमाया जाए? खौफ से, भूख से, फलों से, अंदर से, बाहर से, हर चीज से अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। तुमने तो आजमाइश का नाम सुनकर ही भाग जाते हो। तुम मैं अपनी आजमाइशों का अगर जिक्र करूं, ये आएगा तुम लोग का, मैं बताऊंगा आपको मैं कहां कहां से गुजरा, मैं कहां कहां से गुजर गया। तेरी चाहतों के सफर में देखिए, प्यार जो है ना, दुनिया का प्यार भी जो है ना, वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। ये तो अल्लाह रसूल का प्यार है। दुनिया के प्यार में रसवाई भी मंजूर है, दुनिया के मामलात में मुसीबत भी मंजूर है, धक्के भी मंजूर है, गर्मी भी मंजूर है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये जरा बस बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाए, मीठी मीठी मिल जाए, सीधा सीधा काम हो जाए। ये आपको इन मंसूबों को छोड़ना पड़ेगा। कोई कोई उम्मत है मुसलमान में, कोई उम्मत का इन पर कोई कोई ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली किसी का काम हो जाना, ये क्या बात है? ये तो तुम्हारी मां भी दुआ कर देगी। असल काम है नबी पाक की उम्मत के लिए काम करना, हुजूर का वो पैगाम तुम्हें पहुंचाना, कुरान का पैगाम पहुंचाना, जो कुरान और हुजूर का पैगाम है। कुरान चूमने चाटने के लिए नहीं आया, कुरान तावीज गंदे के लिए नहीं आया, तावीज ये दो दो के पीने के लिए। अरे जी बस यासीन पढ़ लो तो बख्शा जाएगा, आप इसने कुछ पीता नहीं तो तू जोर ला रहे बख्सवान से है, तो आप भी तो कुछ पीता होगा ना, हमारी दुआएं क्यों नहीं मकबूल होती, पीर साहब की दुआ क्यों नहीं मकबूल होती? चलो कुछ इसलिए कि तुमने सारा काम किस पे डाल दिया, पीर साहब। अरे तुझी बात तुझी किस आते हैं, अजय तो तैयार हो जाएगी तो बुला जा है जी, लंगर खाना, लंगर रास्ते पर वहां भी लंगर की लाइनें लगी हुई, किसी ने नौचंदी जुमरातें निकाली, वहां नौचंदी जुमरात होती है जो पापा देश में पता है वो मखलूक अजी नौचंदी जुमरात, मैं जी क्या होती है, क्या होती है ये अब क्या होती है नौचंदी, हुजूर हुजूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अमल किया है उसका तो आपको पता ही है, इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अमल किया है उसका तो आपको पता ही नहीं। सैकड़ों साल के बाद भी अगला अपना महल बनवा लेता है, सुभान अल्लाह, आओ ना आओ ना सीधे हो तुम कह दो जी जी उतर जी चरस चलती है बड़ी बाबा जरा कर्मी वाले तो बंद करावे तो करा दी ना, फिर लगा उसी नहीं होना, चलो दफे होना कितना से उस नहीं होना। अच्छा आओ ना हूं क्यों नहीं बोलते, तुहाडा मुतालबा सी के बड़ा कोई है करनी वाला, गल नोट कर रहे, अगर ये करनी वाला है इमाम बरी तो यहां पर चर्च क्यों चलती है, जुआ बदकारी क्यों होती है, ये सवाल था ना। जब भी कोई टकरता था ना ये उधारिया और ये देखो जो उसे चर्च दो दिए थी, पर तू चर्च देखने जाना है और तन कुछ है नहीं, जब भी कंदिया निकल जाना है और भी कुछ है देख लिया करो, तेरा तो मुतालबा फिर हो गया ना, फिर इसका मतलब तू देखा ही नहीं जाना है, सानू तो नजर तू नहीं आता, सानू तो बाबा नजर आता है, तो यह सारिया चीजें नजर आदि, सारा मतलब
पापी नाले ते तेरा मतलब मगर ते तेरा खराब है, आप तो क्यों खराब है। तो फिर हुआ क्या, इमाम अली ने कहा यार तुम बार बार कह रहे लोग और बंद ही करा। सुभान अल्लाह, हो गया बंद, ठीक है नहीं आओ फिर। ये बात नहीं है भाई, इसलिए अल्लाह के बंदो पीर से सवाल जरूर कराओ, हमें दुनिया की जरूरत है, हम मजबूर लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, सब सिस्टम है, हम मतलब एक ऐसे सिस्टम और ऐसे दौर में आ गए हैं जो बड़ा प्रतन दौर है। लेकिन यार यही उसूल नहीं है बैठ होने का कि मैं बैठ होऊंगा तो मेरे खिलाफ चार चार लग जाएंगे। ये क्या उसूल है कि दुनिया मिल जाएगी, दुनिया मिल जाएगी। दुनिया तो फिरौन के पास बनी थी, हमार के पास बनी थी, नमरूद के पास बनी थी, क्या हुआ उनका? लो ये उसूल नहीं, ये उसूल बैठ होने का उसूल यह है कि तुम्हें अल्लाह वाला बनना है, तुम्हें रसूल वाला बनना है, तुम्हें कुरान वाला बनना है, तुम्हें हदीस वाला बनना है। ये है।